नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके कालकाजी मंदिर और ये नवरात्रों का चौथा दिन, जिसमें हम आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाले कि अभी नवरात्रों में कालकाजी मंदिर में क्या सीन रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी और आपको इस समय पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सारी चीजें आपको ए टू जेड देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ पे। मेक श्योर आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और चाहिए लेके चलते हैं आपको। दोस्तों ये है कालकाजी मंदिर के लिए एंट्री, जिसके जस्ट बगल में शमशान घाट है और हमारे साथ हमारे कुछ गली के दोस्त आ रखे हैं, ये चारों के चार हमारे साथ आ रखे हैं और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। आखिर कालकाजी मंदिर में आपको इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और क्या एक्सपीरियंस आपको फील होगा नवरात्र के टाइम। आइए ले चलते हैं आपको आगे। ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता कालकाजी की तरफ जा रहा है, जहाँ पर रास्ते में आपको बहुत ही सारी दुकानें जिस पर आपको प्रसाद, फूल मालाएँ और कॉस्मेटिक्स के सामान जैसे कि लॉकेट, कड़ा या बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे सामान मिल जाएंगे और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बात करें अगर आप कालकाजी मंदिर अभी आते हैं तो मोस्टली लोग अभी रात में इसलिए आते हैं क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। अभी अगर आप नवरात्रों के टाइम कालकाजी आते हैं तो दोनों समय ही आपको भीड़ मिलने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि VIP कल्चर बहुत चलता है कि आपके पास अगर पास है तो आप बिना लाइन में लगे VIP पास वाले एंट्री से लेकर डायरेक्टली दर्शन कर सकते हैं, जो कि VIP कल्चर ख़त्म ज़रूर होना चाहिए। और जो नॉर्मल लोग हैं वो लाइन में लगते हैं और बहुत लंबी लाइन लगती, जो कि कालका मंदिर से लेके कमल मंदिर तक लंबी लाइन जाती है, वहाँ तक लोग लगते हैं। और ये जो मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा है, कालकाजी मेट्रो स्टेशन है। अगर आप कभी भी कालकाजी आना चाहें तो कालकाजी मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंदूर वगैरह ये सारी चीज़ें, ये कड़े, चूड़ी, बच्चों के खिलौने, ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस चीज़ की बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ओनली एक दो दुकानें हैं, पूरा रास्ता जहाँ से एंट्री थी वहाँ से लेके कालकाजी मंदिर तक बहुत सारी आपको दुकानें मिलेंगी। और रास्ते में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की ईयरिंग्स वगैरह वगैरह की भी दुकानें हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे, ब्लू लाइट की वजह से बहुत ही तगड़ा लुक आ रहा था। और ये जो रास्ता सामने जा रहा है, ये रास्ता पार्क के अंदर जा रहा है, जो कि जस्ट कालकाजी मंदिर के बगल में पार्क है। और अब हम ले चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जो भीड़ आपको दिख रही है, VIP पास वालों की भीड़ है। और एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि VIP पास वालों की भी एंट्री आज कैंसिल कर दी गई थी। नॉर्मल की तो बात ही क्या की जाए, और नॉर्मल लोगों की अगर मैं आपको आगे चल के भीड़ दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। जब भी आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसी जगह देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पे आपको 5 रुपये में अपने जूते या चप्पल रख सकते हैं एक जोड़ी। जब आप मंदिर में घूम के आएंगे तो वापस ले सकते हैं टोकन दिखा के, जो टोकन आपको मिलता है अपनी चप्पल रखने के बदले। ये है कालकाजी का मेन गेट जहाँ से एंट्री हो रही थी, ठीक है, मेन गेट ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने VIP कार्ड वालों की एंट्री दिखाई, अभी नॉर्मल वाली एंट्री जो टीन शर्ट लगी हुई है। अब ये टीन शर्ट कालकाजी मंदिर से स्टार्ट होके आगे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और इसके अंदर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस टाइम पे कालकाजी मंदिर आना चाहें तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना लाएं। छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसा इंसान है जो नाजुक है, नाजुक मतलब जिसमें ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर पाता अगर आप अंदर दर्शन करने जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, टीन शर्ट लगा पड़ा है और चप्पल रखने की बहुत जगह आपको जगह मिल जाती है। यहाँ भी 5 रुपये लेके एक जोड़ी चप्पल। और ये कमल मंदिर के सामने हम आ चुके हैं लाइन के, तो यहाँ देखिए रात को भी कमल मंदिर हम बाहर से देख रहे हैं क्योंकि कमल मंदिर बंद हो चुका है। आपको मे भी थोड़ा सा क्लियर दिख पा रहा होगा कि अंदर कमल मंदिर है। और अब हम इसको आपको थोड़ा सा ना ऊपर से दिखा देते हैं कि कमल मंदिर आखिर दिखता कैसे है रात में। अब कैमरे की क्वालिटी उतनी तो तगड़ी नहीं है कि रात में आपको बहुत क्लियर दिखे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको देखिए, रात में कमल मंदिर बंद है, तब भी हमने बाउंड्री पर चढ़ते ही यहाँ पर वीडियो बना ली है। और हम एक शॉर्टकट से गए अंदर कि हमें शायद ज़्यादा जल्दी हम अंदर चले जाएँगे, दर्शन हो पाएंगे, लेकिन वहाँ भी ब्लॉक था, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ थी। और हम 12 बजे पहुँच गए, हमें बताया गया कि 2:30 बजे दर्शन होंगे। और रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी शॉप मिलेंगी जहाँ पे आप टैटू छपवा सकते हैं या नाम लिखवा सकते हैं अपने हाथ में। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप कभी भी परमानेंट टैटू बनवाएं तो ऐसे लोकल शॉप से ना बनाएं, कभी कभार इन्फेक्शन होने के भी डर रहते हैं क्योंकि ये लोग नीडल वगैरह चेंज नहीं करते। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वालों की एक फ़ीमेल से लड़ाई हो रही है क्योंकि उनका पास कैंसिल।
कालका मंदिर से निकल के हम यहाँ पे आ चुके हैं छतरपुर मंदिर यहाँ पर घूमने, क्योंकि कालका मंदिर में तो हमें दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि 12 बजे हम पहुँचे थे, 2:30 बजे गेट खुलने वाले थे। और मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इस टाइम पर ना ही जाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है, यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और छतरपुर मंदिर में भी ठीक ठाक भीड़ है, लेकिन कालका जी टेम्पल से कम भीड़ होती है। और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइटिंग सजावट और मंदिर का जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला है। हनुमान जी के सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई जा सकती हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मंदिर ये रहा, सामने भी मंदिर है, और ये एक मंदिर है जिसमें अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे और आखिर दिखाएंगे कि किस तरीके के मंदिर इसमें हैं, कौन कौन से भगवान हैं, कौन सी मूर्तियाँ इसके अंदर हैं। और चलिए हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे। और एंट्री लेते ही आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हॉल सा बन रखा है जिसमें आगे जा के आपको बहुत से मंदिर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सो रहे हैं जो कि मे बी कालका जी घूम के आए हैं, तो यहीं पे नींद पूरी कर रहे हैं, मे बी कहीं दूर से आ रखे होंगे तो यहाँ पर वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठंडक है और यहाँ पर कोई उतना रोक टोक नहीं है। ये छतरपुर का मेन मंदिर नहीं है, मेन ये तो छतरपुर के सामने वाले जो मंदिर हैं ये छतरपुर मंदिर के अंडर ही आते हैं, ये सारी चीज़ें घूमने की हैं। लेकिन जो छतरपुर का मेन मंदिर है वो रोड के उस साइड है, जो कि यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना बहुत ही कम अलाउड होता है, या कह लीजिए अलाउड ही नहीं होता है। जब मैं पिछली बार वहाँ पे गया था तो फ़ोटो भी चोरी छुपे खींचनी पड़ती, जैसे ही कोई गार्ड देख लेता तो तुरंत सुनाने लग जाता है। और मुझे तो इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है कि आखिर आजकल मंदिरों में या बहुत से जगहों पर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना मना क्यों करते हैं। अगर आप में से किसी को इसका रीज़न पता है या इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता पाएँ, ताकि हमें भी पता चले और जो ऑडियंस है उनको भी पता चल सके इसका रीज़न आखिर है क्या। ये सबसे पहला मंदिर जो हॉल के अंदर है, ये हम आपको दिखाते हैं पैर छूने के बाद, या आई थिंक विष्णु भगवान जी का मंदिर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस मंदिर में घूमने के बाद अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। वो बड़े वाला बात ताला दिखा दे, बड़ा वाला ताला लोगों को क्या बड़ा बहुत तगड़ा ताला, वो हमारा शख्स कहाँ रह गया, पूरा बड़ा ताला वहाँ दिखा दे, पूरा माँ का ताला, वो ये ताला ओहो इधर देख घंटी घंटी भाई, ये सीन बढ़िया है। राहुल आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ।
ये देखिए, हम मंदिर जाएं चाहे कहीं भी जाएं, ईमानदारी से कहीं नहीं जाएंगे। बल्ली फट्टे फानेंगे, दीवार कूदेंगे, ये सब इनके रेगुलर काम है। करना तो मुझे भी पड़ेगा क्योंकि मुझे भी इनके साथ रहना है। ये देखिए हमारे शंकर भगवान, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले बिक्कू भाई चले गए लेकिन राहुल भाई की हालत तो ख़त्म हो गई। और ये हमारे ऑटो की बैटरी खत्म हो गई है और ये सारे के सारे, और ऑटो का ड्राइवर भी साथ में धक्का लगा रहा है। और ये कामचोर बंदा बैठ गया हैंडल पे और ये ले रहा मुझे। अब देखते हैं कितनी देर में घर पहुंचने वाले हम। भाई ऐसे दिन भी आने चाहिए, ठीक है। नीचे देख के चलना थोड़ा।